See, today in the next 15 minutes, I'll be doing the analysis of the new syllabus and its comparison with the old syllabus. देखिए, इंस्टीट्यूट ने लास्ट वीक, तारीख मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, नोटिफाई किया कि न्यू सिलेबस विल बी एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम मे 2018 एग्जाम्स. मतलब ये हुआ कि बाई 30th ऑफ जून 2017 कोई भी स्टूडेंट को ओल्ड सिलेबस में रजिस्ट्रेशन लेने मिलेगा लास्ट. 30 जून के बाद कोई भी बच्चा जो इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन लेगा इन आईपीसीसी कोर्स, क्योंकि मैं आईपीसीसी के बच्चों से बात कर रहा हूं, उसको न्यू सिलेबस में एडमिशन लेना पड़ेगा. डन. आप लोग सब ऑलरेडी आईपीसीसी में अपना एडमिशन ले चुके होंगे इंस्टीट्यूट के पास, तो आप लोगों का एडमिशन ओल्ड सिलेबस में ही हुआ होगा. लेकिन जो भी बच्चे अभी जो सीपीटी अपियर किए हैं, जिनका रिजल्ट अवेटेड है, अभी देंगे. अभी तो एग्जाम है ना, नेक्स्ट वीक. हाँ, प्लीज, अभी नेक्स्ट वीक शायद एग्जाम है उनकी. वो लोग जब एग्जाम देंगे फिर उनका रिजल्ट आएगा, तो वो तो जून के बाद ही रिजल्ट आएगा, 30 जून के बाद, तो वो लोग उसके बाद एडमिशन लेंगे आईपीसीसी में. तो उन लोगों को न्यू सिलेबस में ही एडमिशन लेना होगा और वो लोग न्यू सिलेबस में ही पढ़ाई करेंगे. ठीक है, आप लोगों के पास ये ऑप्शन है कि आप लोग न्यू सिलेबस ऑप्ट कर सकते हो. अगर आप लोग चाहें तो आप लोग 30 जून के पहले पहले ना आप इंस्टीट्यूट में जाकर के न्यू सिलेबस का अगर ऑप्ट करेंगे तो आपको न्यू सिलेबस में एग्जाम देने मिल जाएगा. लेकिन इतना सारा ट्यूशन होने के बाद, इतना सारा पढ़ लेने के बाद, विल यू रिस्क टू गो फॉर द न्यू सिलेबस? द ऑब्वियस आंसर विल बी नो. एंड माई सजेशन इज अ स्ट्रॉन्ग नो. इफ एट ऑल समबडी इज थिंकिंग कि वो न्यू सिलेबस में जाना चाहता है, इतना बड़ा तोप तुम नहीं है कि इतना सारा ओल्ड पढ़ लेने के बाद तुम न्यू सिलेबस में देखो, एक तो तुम अगर न्यू सिलेबस में जाएगा ना बेटा, तो तुमको ये एग्जाम ड्रॉप करना पड़ेगा. यू विल नॉट बी एबल टू अपियर इन नवंबर, यू हैव टू अपियर इन मे 18. तो 6 महीना तेरी ऐसी वाट लग गई. अब तू उसके बाद मे 18 के लिए पढ़ाई करेगा, जो ऑलमोस्ट डबल पढ़ाई तुम्हारा हो जाएगा. सो तुम्हारे लिए इट्स अ नो 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 फॉर द न्यू सिलेबस. अपन को ओल्ड सिलेबस में अपना एग्जाम देना है. और क्यों अभी झमेला में फंसे हम लोग इतना इतना पढ़ चुके हैं, कोई सेंस नहीं है नए सिलेबस में जाने का. क्लियर. सो माय एडवाइस टू ऑल माय स्टूडेंट्स इज दैट कि वी विल बी अटेम्प्टिंग आवर एग्जामिनेशंस इन द ओल्ड सिलेबस इन विच वी हैड टेकन आवर रजिस्ट्रेशन. नो चांस कि हम लोग शिफ्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात. मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि ओल्ड सिलेबस में, मतलब आप बच्चों को जो अभी पढ़ रहे हैं मेरे पास, उनको 4 अटेम्प्ट देने मिलेंगे ओल्ड सिलेबस में, सिर्फ 4. इंस्टीट्यूट अगर, प्लीज बच्चों प्लीज अच्छे से सुनना, इंस्टीट्यूट अगर इसको एक्सटेंड करे बाद में, मैं नहीं बोल पाऊंगा, पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी गेटिंग 4 अटेम्प्ट्स टू क्लियर योर आईपीसीसी. सो वर्क हार्ड टू क्लियर इट इन 1 अटेम्प्ट. 4 अटेम्प्ट तक जाने मत दो चीज को, फंस जाओगे. हार्ड वर्क करो अगले 5 महीने. इंस्पायरिंग भी है अपने लिए, चैलेंजिंग भी है अपने लिए, टास्क इन हैंड. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो आई एम गिविंग यू अ लिटिल मोटिवेशनल लेक्चर ऑल्सो.
चार अटेम्प्ट कैसे है कि अभी आप नवंबर 17 में एग्जाम दोगे, मई 18 में पेपर होगा, ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, फिर तुम नवंबर 18 में पेपर दोगे, लास्ट उन्होंने बोला है हम लोग मई 19 में ओल्ड सिलेबस का एग्जाम लेंगे। मई सिलेबस के बाद इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू टेक द एग्जाम्स ऑफ द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स। सो अपने लिए स्टेक पे क्या है, स्टेक पे ये है कि अगर अपन इन चार अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर अपने को न्यू सिलेबस में एग्जाम देनी पड़ेगी, और न्यू सिलेबस इज अ लिटिल बिगर, अप्रॉक्सीमेटली 50% बिगर, 50% ज्यादा है। थोड़ा सा ना शांति से सुनना मेरी सारी बातों को, डन। तो प्लीज, तो अपने लोग नवंबर 17 में ही बोथ ग्रुप अटेम्प्ट करके अपन नवंबर 17 में ही क्लियर करने का कोशिश करेंगे। अपन अगला 5 महीना सीरियसली पढ़ेंगे। प्रेशर डाल दिया गया अपने ऊपर कि बॉस 4 ही टर्म है, नहीं तो फिर न्यू सिलेबस में जाना है, तो प्रेशर आ गया तो अपने को वर्क हार्ड करना नेचुरली पड़ेगा ना, अब उपाय नहीं है, अब से डू एंड डाई गेम है कल इंडिया का, कल है ना, अपन का भी वैसा स्थिति आ गया अभी नहीं। सो वर्क हार्ड, नवंबर 17 वी विल ट्राई टू क्लियर बोथ द ग्रुप्स इन वन अटेम्प्ट। उसके बाद बाय चांस कोई पेपर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अपने पास 3 अटेम्प्ट और रहेंगे, बट वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स। अब आइए, प्रॉब्लम क्या है प्लीज बच्चों, सो फार एज माई क्लासेस आर कंसर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरी क्लास में जो मैं अगले सेमेस्टर में अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, अगला सेमेस्टर मीन आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, तुम लोगों का अभी ग्रुप 1 चल रहा है, फिर ग्रुप 2 चलेगा, उसके बाद जिन बच्चों का एडमिशन होगा और मैं जिनको पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली मैं उन लोगों को हां न्यू सिलेबस पढ़ाऊंगा। तो वो स्टूडेंट जो अभी मेरे पास सिर्फ ग्रुप 1 पढ़ रहे हैं और ग्रुप 2 अकाउंटेंसी 6 महीना बाद पढ़ने वाले हैं और ओल्ड सिलेबस में अपीयर करने वाले हैं, उन लोगों को ओल्ड सिलेबस में लाइव क्लास नहीं मिलेगा। डिड नॉट यू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ आवर्स, उन लोगों को ग्रुप 2 का ओल्ड सिलेबस रिकॉर्डिंग क्लास में करना होगा, वही रिकॉर्डिंग जो तुम लोगों की मैं अभी करूंगा सेकेंड ग्रुप वाली, वही उन बच्चों को नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इन द नेक्स्ट सिलेबस आई एम नॉट गोइंग टू टीच द ओल्ड सिलेबस। सो दिस इज अ बिगर थिंग जो तुम लोगों के साथ मेरे को शेयर करना था, एंड नॉट ओनली मी, कोई भी दूसरा टीचर अफोर्ड नहीं कर पाएगा हां ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ाने को, बिकॉज इट विल बी वेरी मच हॉच पॉच टाइप ऑफ अ थिंग। सो प्लीज नेक्स्ट सेमेस्टर लाइव क्लासेस विल ओनली बी अवेलेबल इन न्यू सिलेबस, फॉर प्लीज फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स वीडियो क्लासेस विल बी अवेलेबल, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वीडियो क्लासेस हम लोग पूरा लास्ट तक अवेल कराएंगे, मई 18, नवंबर 18 एंड मई 19 हम लोग अवेल कराएंगे, कुछ बच्चे ओल्ड सिलेबस के रहेंगे, उनको रिपीट क्लास रिविजन क्लास करनी पड़ेगी, तो ये हम लोग अवेलेबल उनके लिए करवाएंगे, डन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द चेंज इन द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी ओनली। देखिए, वन थिंग दैट आई वांट टू से अबाउट द आईसीएआई, दैट द चेंज इज फॉर द बेटरमेंट, जो चेंज हुआ है वो अच्छा हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। प्रॉब्लम इज दैट कि तुम्हारे आईपीसीसी पढ़ते पढ़ते ये चेंज हो गया, तो तुम ट्रांजिशन में घुस गए, मतलब यू आर इन द ट्रांजिशन फेज, तो तुम लोगों को थोड़ा सा पेन ज्यादा है। पेन ज्यादा इस तरह से है कि तुम लोगों को आईपीसीसी पढ़ना पड़ेगा ओल्ड सिलेबस में,
और सीए फाइनल पढ़ना पड़ेगा न्यू सिलेबस में. सो दैट वे तुम लोगों को थोड़ा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, थोड़ा सा तुम लोग लॉस में हो, थोड़ा सा तुम लोग बैकफुट पे हो, थोड़ा सा, ठीक है. उसको मेकअप कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आई विल टॉक ऑन सम अदर डे. बट तुम्हारी प्रॉब्लम यही है, ओल्ड सिलेबस आईपीसीसी एंड न्यू सिलेबस सीए फाइनल्स. तो वो ट्रांजिशन फेज में देखो हमेशा ये प्रॉब्लम से कोई ना कोई तो गुजरेगा, कभी ना कभी तो ऐसा होगा, वो तुम्हारे साथ हो रहा है. नाउ सिलेबस को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आईपीसीसी के जो बच्चे हैं, मतलब आप लोग जो हो, आप लोगों को इंडेस का नाम मालूम है, इंडेस बोल के कोई चिड़िया है आपको मालूम है, गुड. तो सिलेबस इंस्टीट्यूट ने क्या डिजाइन किया, मैं आपको बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग डिजाइन किया है एंड इट्स वेरी हेल्दी. आई कॉन्ग्रेचुलेट द इंस्टीट्यूट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग कि उन्होंने ये काम किया. लॉन्ग अवेटेड था. आप मेरी क्लास में बीच बीच में ये सब वर्ड सुने होंगे जो मैं अभी बोलने वाला हूं. आप देखिए मैं जो कुछ बोलूंगा आप बोलेंगे हाँ सर आप पहले भी बोले थे. इट्स गुड. हाँ क्यों, पूरा जो आईपीसीसी है ना, दैट इज नाउ एस डिस्कशन, एस एग्जिस्टिंग एस जो आप पढ़ रहे हैं, और पूरा जो सीए फाइनल है ना वो हो गया इंड एस डिस्कशन बेसिकली. मतलब मोटा मोटा बात बोल रहा हूं, ब्रॉड ब्रॉड कहानी ये हो गया ना कि 250 करोड़ से ऊपर वाली नेटवर्थ वाली कंपनियां जिनको इंड एस फॉलो करके अपना बैलेंस शीट बनाना है वो आपको सीए फाइनल में पढ़ने मिलेगा, और 250 करोड़ से नीचे वाली कंपनी जो है वो आपको आईपीसीसी में कंप्लीट कर लेना है. डिड यू अंडरस्टैंड. अच्छा ये तो आपको मालूम ही है कि 250 करोड़ से नीचे वाली कंपनियां एस फॉलो करती हैं और 250 करोड़ से नेटवर्थ जिनका ऊपर है वो इंड एस फॉलो करती है, आपको मालूम ही है. तो इंड एस सीए फाइनल, बिग कंपनी सीए फाइनल, स्मॉल कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स आईपीसीसी. मेन स्टोरी का डिफरेंस ये है, ठीक है. अब सिलेब प्लीज 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 बॉयज, अब सिलेबस का चर्निंग कैसे किया, अकाउंट्स के पेपर के बारे में मैं बोल रहा हूं. चार घटिया टॉपिक, तीन का नाम आप जानते हैं, गुड गुड बोलो, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट और सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स. बोलने दो, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स. पढ़ाते पढ़ाते मैं क्या बोलता था इन चैप्टर्स के बारे में, घटिया चैप्टर्स है, आईपीसीसी में नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड के चैप्टर्स ये नहीं है, इनको हटा दिया गया है, दे आर आउट ऑफ सिलेबस, आईपीसीसी में नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग. एनटीओ को भी हटा दिया गया है. पूरा सुनिएगा प्लीज, हो हा करने का नहीं है. जब आप न्यू इंक्लूजन सुनेंगे तो आपको हो हा करने से आप रुक जाएंगे. अभी आप खुश रहे भाई इनको कम पढ़ना पड़ रहा है, नहीं इनको बहुत ज्यादा पढ़ना है. न्यू सिलेबस इज 50% मोर, वी हैव टू टेक मोर नंबर ऑफ क्लासेस इन द न्यू सिलेबस. ऑब्वियसली आवर फीस विल बी इंक्रीज्ड, बट दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, विल टॉक अबाउट इट लेटर. बट बाद में बात करते हैं, मजाक का बात था, सीरियस नोट पे आप सुनो. ये जो पार्टनरशिप का आज तुम्हारा क्लास खत्म हुआ, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का यहां तक का पोर्शन आउट ऑफ सिलेबस. न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, प्लीज बी केयरफुल. अब हुआ क्या है बॉयज, प्लीज लास्ट 10 मिनट्स मैक्सिमम. हुआ क्या है कि पूरा जो आईपीसीसी का ग्रुप वन है ना उसको नॉन कॉरपोरेट अकाउंटिंग टोटल इसी के अंदर डाल दिया. मतलब नॉन कॉरपोरेट जो अकाउंटिंग होता है, जैसे मान लीजिए एडीडी, ये सब जो नॉन कॉरपोरेट अकाउंटिंग था ना, जैसे मान लो सिंगल एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, हायर परचेज, जिसमें शेड्यूल 3 नहीं लगता भाई,
तो नॉन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को ग्रुप वन में शिफ्ट कर दिया सारा को। तो आप बोलेंगे सर ग्रुप वन में ही तो था सब कुछ, हम लोग तो सब कुछ ग्रुप वन में ही पढ़े थे। ग्रुप टू में कुछ नॉन कॉर्पोरेट के चैप्टर थे लाइक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग, उसको ना ग्रुप वन में ले आया। इवन पार्टनरशिप ग्रुप टू का रिजोल्यूशन वाला वो पोर्शन ग्रुप वन में ले आया। तो अभी ग्रुप टू में ना नॉन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं पढ़ना है, पूरा ग्रुप वन इज नॉन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्लस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वही वाला चैप्टर्स जो आप कंप्लीट करके गए, कैश फ्लो, कंपनी बैलेंस शीट। कैश फ्लो आप लोग नहीं पढ़े ना अभी, हाँ तो कंपनी बैलेंस शीट, प्री पोस्ट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आप पढ़ेंगे, ये ग्रुप वन में है। सो ऑल द नॉन कॉर्पोरेट रिलेटेड चैप्टर्स प्लस कॉर्पोरेट में मेन ये तीन चार चैप्टर यहां पे रह गया। कौन किस में? ग्रुप वन में। अमलगमेशन जो पहले ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों में था, पूरा को ग्रुप टू में शिफ्ट कर दिया गया। सो ग्रुप वन पीपल विल नॉट बी स्टडीइंग इन द न्यू सिलेबस अमलगमेशन, द एंटायर अमलगमेशन विल बी स्टडीड इन द ग्रुप टू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत सारा चर्निंग किया गया है, कुछ एस इधर का उधर, कुछ इधर का उधर, कुछ उधर का इधर लाया गया है, कुछ नया एस ऐड किया गया है। एंड द बिग एडिशंस आर, नाउ प्लीज लिसन, शिफ्टिंग चर्निंग इज अ स्मॉल गेम, द बिग एडिशंस आर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक चैप्टर लाया गया है। आपको याद है मैं पार्टनरशिप में जब गुडविल पढ़ा रहा था तो चलते चलते मैंने एक बात बोला था कि सीए फाइनल में एक चैप्टर है गुडविल वैल्यूएशन का, यू रिमेंबर दैट? हमको हम बोले बहुत बड़ा फुल फ्लेजेड पढ़ाना पड़ता है, दैट चैप्टर हैज कम इनटू आईपीसीसी। और कंसोलिडेशन बोल के, होल्डिंग कंपनी बोल के एक चैप्टर है सीए फाइनल में, उसका एकदम प्रिलिमिनरी वर्सन, कंसोलिडेशन का प्रिलिमिनरी वर्सन, कंसोलिडेशन मींस होल्डिंग एंड सब्सिडरी का प्रिलिमिनरी वर्सन आईपीसीसी में ऐड किया है ग्रुप टू में। सो ग्रुप टू के बच्चों को नॉन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं पढ़ना है, सिर्फ बोलिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना है। दो नया एडिशनल चैप्टर्स, होल्डिंग कंपनीज एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा बात क्या हुआ है, द गुड थिंग अबाउट द सिलेबस इज सिर्फ अकाउंट्स का पेपर रीडिजाइन नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल द पेपर्स हैव बीन रीडिजाइंड। एफएम का जिस दिन क्लास होगा मेरा ना, तो मैं एफएम के बारे में भी अलग से आप लोगों को उस पेपर में क्या रीडिजाइनिंग हुआ है मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट द चेंज इज फॉर द बेटरमेंट। अच्छा से प्लानिंग हो गया है, अभी आप लोगों को कम से कम न्यू सिलेबस में सीए फाइनल पढ़ने मिलेगा, दैट विल बी गुड फॉर यू। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।